नमस्कार, भारत भूमि के वीरों की चीर गाथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेवाड़ के महान हिंदू शासक महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, जहां महाराणा प्रताप का नाम आता है वहां हल्दी घाटी के युद्ध का जिक्र न हो ऐसा कोई किस्सा नहीं। इस पृथ्वी पे महान और बलशाली योद्धाओं में महाराणा प्रताप का नाम एक गज केसरी की भांति लिया जाता है। कैसे थे महाराणा प्रताप और क्यों नाम आता है हल्दी घाटी के युद्ध का, आइए जानते हैं महाराणा प्रताप के बारे में कुछ खास बातें। मेवाड़ के महान हिंदू शासक महाराणा प्रताप के बारे में आपने किस्से और कहानियां अवश्य सुनी होंगी। जहां वीरता का जिक्र आता है, बल शक्ति और सामर्थ्य का जिक्र आता है, वहां महाराणा प्रताप का नाम अवश्य लिया जाता है। 9 मई 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। 16वीं शताब्दी के राजपूत शासकों में महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जो अकबर को लगातार टक्कर देते रहे। आज हमको उनके बारे में कुछ खास दिलचस्प किस्से सुनाएंगे। महाराणा प्रताप का जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ 9 मई 1540 ईस्वी को। दोस्तों, महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच में लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध बहुत चर्चित हुआ, क्योंकि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध महाभारत युद्ध की तरह ही विनाशकारी सिद्ध हुआ था। यह जंग 18 जून 1576 में 4 घंटों के लिए चली थी। कहा जाता है कि यह युद्ध एक ही दिन में सिमट गया। बताया जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास सिर्फ 20,000 सैनिक थे और अकबर बादशाह के बाद में 85,000। इस सब के बावजूद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करते रहे। दोस्तों, बताया जाता है कि महाराणा प्रताप के भाले का वजन 81 किलोग्राम था और जो उन्होंने छाती पर कवच पहना था उसका वजन 72 किलोग्राम बताया जाता है। इतना ही नहीं, उनकी दो तलवारें जिनका वजन दोनों का मिलाकर के 208 किलोग्राम था, यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक है जो आज भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। दोस्तों, इसे नकारा नहीं जा सकता क्योंकि राजस्थान के कण कण में महाराणा प्रताप की वीरता, सत्यता और प्रमाण बिखरे पड़े हैं। इतना ही नहीं, महाराणा प्रताप के पास में एक घोड़ा था जो उसमें और महाराणा प्रताप को वो सबसे प्रिय था, जिसका नाम चेतक था। कहा जाता है कि घोड़ा चेतक भी बहुत बहादुर था, जिसका जिक्र हल्दी घाटी के युद्ध में बड़ी शान से लिया जाता है। ये मध्यकालीन भारत का और इतिहास का सबसे चर्चित युद्ध था। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मानसिंह के नेतृत्व वाली अकबर की विशाल सेना का सामना करना था। कहा जाता है कि ये युद्ध 18 जून 1576 में लड़ा गया। हालांकि आज भी इस बात पर लगातार बहस होती रहती है। कहा जाता है कि इसमें अकबर की जीत हुई या फिर महाराणा प्रताप की। इस मुद्दे को लेकर के कई साक्ष्य और तथ्य भी हैं। इतना ही नहीं, कई प्रकार के रिसर्च भी सामने आए हैं। कहा जाता है कि लड़ाई में कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकला था। हालांकि आपको बता दें कि यह जंग 18 जून साल 1576 में 4 घंटों के लिए चली। इस युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी, उनकी रणनीति भी सफल हो रही थी। बताया जाता है कि युद्ध के बाद में मेवाड़, चित्तौड़, गोंगुड़ा, कुंभलगढ़, उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया था। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा प्रताप को दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। यह भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, वे फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगे। ये युद्ध हल्दी घाटी का इतिहास में सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। इस पर कई प्रकार के मत और भिन्नता मिलती है। कई जगह पर विस्तार से और सटीकता के साथ इसे इतिहासकारों ने बनाया है। इतिहासकारों ने बाकायदा इसे अलंकृत भी किया है, कई कथनों को साक्ष्य करके स्पष्ट भी किया। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने अपने सेना नायकों के वादों को निभाने के लिए हल्दी घाटी का युद्ध आमने सामने लड़ा और महाराणा प्रताप कभी हार नहीं मानने वाले थे और ना ही उन्हें किसी प्रकार का भय था और वे युद्ध हार भी नहीं सकते थे। इसका बड़ा एक और भी कारण था कि उदय सिंह के द्वारा ईजाद की गई गोरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी छापामार युद्ध, जिनका महाराणा प्रताप ने जीवन भर उपयोग किया,
और महाराणा प्रताप अपने जीवन में एक बार भी पराजित नहीं हुए थे। कहा जाता है कई बार महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी में पराजित होने के बाद भी स्वयं अकबर ने जून से दिसंबर तक 1576 तक ही 3 बार विशाल सेना के साथ महाराणा प्रताप पर आक्रमण किए, परंतु महाराणा प्रताप को खोज नहीं पाए, बल्कि महाराणा प्रताप के बिछाए हुए जाल में खुद फंसकर पानी और भोजन के अभाव में सेना का विनाश करवा बैठे। और यह भी कहा जाता है कि थक हार कर अकबर बांसवाड़ा होकर के मालवा चला गया। पूरे 7 माह मेवाड़ के आसपास रहने के बाद भी महाराणा प्रताप उनके हाथ नहीं लगे और वे वापस अरब चले गए, यानी बादशाह अकबर फिर से अरब देशों की तरफ चला गया। कहा जाता है कि सहवाज खान के नेतृत्व में महाराणा के विरुद्ध 3 बार सेना भेजी गई, परंतु असफल रहे। उसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध सेना भिजवाई गई और वहां से फिर हार कर लौट गए। 9 साल तक निरंतर अकबर की पूरी शक्ति और पूरी सेना ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध आक्रमण करते रहे। उन्होंने भारी संख्या में नुकसान उठाया। कुछ मतों के अनुसार अंत में थक हार करके अकबर ने मेवाड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे। उनकी गाथा दृढ़ प्रण के लिए अमर है। महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगल सम्राट अकबर की अधीनस्थता स्वीकार नहीं की। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के 16 बच्चे थे। उन्होंने सभी प्रकार के सीमित संसाधन होने के बावजूद भी मुगलों को नाकों नाक चने चबा दिए थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियां की थी और ये सभी शादियां राजनीतिक कारणों से की गई। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से जाना जाता था। अगर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की बात की जाए तो बताया जाता है कि जब युद्ध के दौरान मुगल सेना ने उनके पीछे यानी महाराणा प्रताप के पीछे पड़ी तो चेतक ने महाराणा प्रताप को अपनी पीठ पर बैठा करके कई फीट लंबे नाले को पार किया था। इस महान अश्व की आज भी चित्तौड़ की हल्दी घाटी में चेतक की समाधि बनी हुई है। दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एक मुस्लिम सरदार थे जिनका नाम हकीम खान था। हकीम खान सूरी उनके नाम को प्रसिद्धता के साथ जाना जाता है। हालांकि अकबर ने मेवाड़ को जीतने के लिए महाराणा प्रताप के पास 6 बार ये अवसर भेजे कि वे मेवाड़ को जीतेंगे अवश्य, परंतु राज महाराणा प्रताप करेंगे, और 6 बार महाराणा प्रताप ने इस पेशकश को ठुकरा भी दिया। उनका मानना था कि विदेशी हम पर राज नहीं कर सकते। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की 5 बेटियां भी और 16 बेटे थे, लेकिन कुछ मतों के अनुसार 17 बेटे माने गए हैं जिनका नाम प्रसिद्धि के साथ लिया जाता है। वे थे अमर सिंह, जो बाद में उनके उत्तराधिकारी बने, परंतु उनके खुद के बेटे ने ही उन्हें दगा दे दिया। महाराणा प्रताप की मौत के बाद मेवाड़ को अकबर के हवाले उनके अपने बेटे ने किया। इस प्रकार के मत इतिहास में कई जगह मिलते हैं, कई बार इन पर रिसर्च भी होते हैं। महाराणा प्रताप की मानसिकता आज़ाद की थी। वे किसी विदेशी को अपने राज्य पर राज करना कभी भी स्वीकार नहीं करते थे। अगली वीडियो में हम एक बार फिर से आपके और आपकी जानकारी के लिए एक नए वीर के बारे में विशेष जानकारी लेकर के आएंगे। आप देख रहे हैं विशेष पर्व।